बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने भारत के गैर मराह याफ्ता बच्चों के लिए फंड जमा करने की गर्ज से 28 मार्च बरोज जुमेरात को लंदन में मुनदद होने वाले हुब गाला में अपनी आवाज़ का जादू जगाकर मदाओं के दिल मोह लिए सलाम मुंबई फाउंडेशन के जेरम खैराती प्रोग्राम हुब गाला के लिए आलिया भट्ट को मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ इस दौरान आलिया भट्ट ने अपने दो मुनफरिद लोग जिसमें शानदार मरून मखमल गाउन के साथ बेश बहा हीरो के हार के साथ अपने लुक को मुकम्मल किया वहीं सफेद साड़ी में भी अदाकारा की कातलाना दें सबकी तवज्जो हासिल करने में काम कामयाब हो गई सिर्फ यही नहीं बल्कि इवेंट के दौरान आलिया भट्ट ने अपने गुलन भी सब पर आश्चार करते हुए तमाम देखने और सुनने वालों को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया इंस्टाग्राम पर अदकारा आलिया भट्ट ने मुनफरद और खूबसूरत तस्वीर पर मबनी पोस्ट जारी की जिसके साथ मौजूद मुख्तर दौरानी पर मुश्तम वीडियो ने तो जैसे देखने वालों को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया पोस्ट में शामिल वीडियो में अदकारा आलिया भट्ट साल 2016 में रिलीज होने वाली फिल्म उड़ता पंजाब के गाने एक कुड़ी के बोल पर भारतीय गुलकारा हरदीप कौर के साथ सुर से सुर मिलाती नजर आई भारतीय फैशन डिजाइनर अबूजानी संदीप घोसला के डिजाइन करदा सफेद साड़ी जेबन की अदाकारा का दीदा जेब अंदाज और सुरीली आवाज़ ने न सिर्फ भारतीय शायक को अपना दीवाना बनाया बल्कि उसी के साथ ही सोशल मीडिया सारिफिन भी आलिया भट्ट के गुलकारी के गुनगाते नजर आए पोस्ट शेयर करते हुए आलिया भट्ट ने कैप्शन में एक तवील नोट भी जारी किया जिसमें उन्होंने पहली बार इस तरह की पुरवाकार तकलीब की मेज़बानी का तजर्बा शेयर किया अदाकारा ने लिखा कि मुझे एक ऐसी शाम की मेज़बानी करते हुए बहुत खुशी हुई जो वाकई खास थी बहुत प्यार मकसद और उम्मीद से भरी हुई थी इसके अलावा आलिया भट्ट ने मासूम जिंदगी को बावकार बनाने और उनकी माली मदद करने पर सलाम मुम्बई फाउंडेशन की जानब ऐसी नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए इस जदोजहद के इकदाम को भी सराहा